इमरान खान ने माइनस पीटीआई चेयरमैन की तर्दीद कर दी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मौजूदा चेयरमैन ही उम्मीदवार होंगे, माइनस पीटीआई चेयरमैन का तस्वुर नहीं। लतीफ कोसा की इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगु। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजफ्फर शाह है और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। नाजरीन कराम, मारूफ कानूनदान लतीफ कोसा ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से तवील मुलाकात के बाद मीडिया को बताया है कि मेरी आज इमरान खान से डेढ़ घंटा मुलाकात हुई, इमरान खान ही पार्टी चेयरमैन रहेंगे। शेर अफजल और अली जफर को सुनने में गलतफहमी हुई होगी, माइनस इमरान खान का कोई तस्वुर ही नहीं। पीटीआई चेयरमैन के वकील सरदार लतीफ कोसा ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने माइनस वन खबरों की तर्दीद की है, पीटीआई के जो चेयरमैन है वही रहेंगे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मौजूदा चेयरमैन ही उम्मीदवार होंगे, माइनस पीटीआई चेयरमैन का तस्वुर नहीं है। पीटीआई का चेयरमैन इमरान खान है और इमरान खान ही चेयरमैन रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया जा रहा है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ही होंगे। इमरान खान ने आज पीटीआई में शामिल होने का कहा है कि कौम और पार्टी को आपकी जरूरत है, पीटीआई में शमूलियत के हवाले से अपने दोस्तों और फैमिली से मुशावरत करूँगा, बहुत शुक्रिया। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें एमपी न्यूज। सवाल समेत मुल्की और गैर मुल्की खबरें आप तक पहुंचाए सबसे पहले। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरें हो या अवामी मसाइल हो, एमपी न्यूज की स्क्रीन पर सबसे पहले। सियासी मैदान हो या हो खेल का मैदान, हम पहुंचाएंगे सबसे पहले खबर एमपी न्यूज पर। अब आपकी आवाज बनेगा एमपी न्यूज सबसे पहले, तो अभी फेसबुक पर और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए एमपी न्यूज को।